हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। रोडवेज बसें तय जगहों पर रुकती हैं कि नहीं, या फिर वैसी जगहों पर तो नहीं रुक रही जहां ठहराव नहीं है, इसकी जानकारी के लिए अधिकारियों के पास कोई साधन नहीं। रोडवेज प्रबंधन ने इन बसों को जीपीएस सिस्टम लगवाने का फैसला किया था और इसका टेंडर भी दे दिया गया, लेकिन कुछ ही बसों में जीपीएस लगाया गया। रेवाड़ी में बसों पर निगरानी रखने के लिए रोडवेज प्रबंधन की तरफ से जीपीएस लगवाने का फैसला लिया गया था। इसके लिए कंपनी को जिम्मा भी सौंपा गया, लेकिन 132 में से सिर्फ 27 बसों में ही जीपीएस लगवाया गया। अगर सभी बसों में जीपीएस लग जाते तो ड्राइवरों की मनमानी भी रुक जाती, लेकिन मुख्यालय से ये प्रक्रिया आगे ही नहीं बढ़ पाई। ऐसे में अगर किसी बस को लेकर शिकायत है या फिर वो किसी स्टैंड पर रुकती नहीं है, तो इसकी जाँच के लिए अधिकारियों को या तो मौके पर भेजने या फिर यात्रियों की शिकायत पर ही विश्वास करना एकमात्र विकल्प रह जाता है। आलम यह है कि जिले के ज्यादातर रूटों पर यह समस्या है कि चालक बसों को ग्रामीण रूटों के स्टॉप पर नहीं रोकते, जिसके चलते समस्या जस की तस बनी हुई है। समय हम खड़े हुए हैं रेवाड़ी के बस स्टैंड पर, जहां 3 साल पहले एक कंपनी को रेवाड़ी डिपो की 132 बसों में जीपीएस लगाने का ठेका दिया गया था, लेकिन कंपनी की लापरवाही की वजह से मात्र 27 बसों के अंदर ही जीपीएस लगाया गया, जिसमें से अधिकांश खराब है। इस बारे में हमने बस चालकों से बात करने की कोशिश करी तो वो आनाकानी करने लगे। जीपीएस सिस्टम से बसों पर ऑनलाइन नजर रखने के साथ चालकों की मनमानी पर भी रोक लग जाती है। लोकल रूट पर चलने वाली ज्यादातर बसों में यात्रियों और छात्रों को शिकायत रहती है कि चालक और परिचालक रोडवेज बसों को निर्धारित स्टॉप पर नहीं रोकते और निर्धारित जगह से भी दूर स्टैंड पर अपनी मनमर्जी से रोकते हैं। इसके साथ ही बसों को ओवर स्पीड से चलाने, शॉर्टकट मारने और बेवजह बस को रास्ते के बीच में ही रोकने जैसी समस्याओं को लेकर शिकायतें भी यात्रियों की ओर से की जाती हैं। और इन सबको रोकने का एक ही तरीका था, बसों को जीपीएस सिस्टम से लैस करना, लेकिन लापरवाही की वजह से बसें वैसे ही चल रही हैं और लोगों की परेशानी भी वैसे ही बनी हुई है। जीपीएस लगाने का टेंडर एक निजी कंपनी को दिया गया था, लेकिन न कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और न ही विभाग ने इस पर गंभीरता दिखाई, और यही वजह है कि कुछ बसों को छोड़कर ज्यादातर में जीपीएस सिस्टम नहीं लग सका, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। हरियाणा न्यूज के लिए रेवाड़ी से प्रेम भारद्वाज की रिपोर्ट।